So hey guys, welcome or welcome back to our channel. I hope you all are doing great and safe. And myself Ria, और आज मैं आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैंने नायका से परचेज की है रिसेंटली. सो मैंने सोचा कि क्या क्या मुझे मिला है मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ. सो या सो नायका पे तो हर वक्त सेल चल रही होती है. सो मैंने सोचा कि कुछ ट्राई किया जाए. तो मैंने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दी थी क्योंकि मुझे परचेस करना था. सो या मैंने परचेस की है. सो हियर इट इज द बॉक्सेस आई परचेज फ्रॉम नायका. तो चलो जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और चेकआउट कर लेते हैं कि क्या क्या मुझे रिसीव हुआ और कैसा कैसा क्वालिटी है गाइज. So yeah, without further ado, let's get started. So guys, the first product I have with me is this Rene Glass Glow Pre Makeup Oil. ये prep and glow all day. ये जो oil है ये facial oil है actually. और ये as a primer based आप लोग pre makeup मतलब आप लोग makeup के पहले आप लोग इसे use कर सकते हो. और ये एकदम आप लोगों को glass skin देगा, look देगा. तो मैंने कुछ दिन पहले देखा था इसे, तो मैंने सोचा कि इसको एक बार जरूर ट्राई करना पड़ेगा. तो यह मैंने परचेस कर ली. और इसका प्राइस मुझे सेल प्राइस में मिला था 349 करके. सो मैंने इसे परचेस की है एंड इट लुक्स लाइक या एंड इट्स लुक लाइक इट्स ए ग्लास बॉटल. एंड आप लोगों को ये देखने को मिल जाएंगे. इसके ओपन क्यों नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर. ये एकदम रनी कंसिस्टेंसी पर है और ये एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और एकदम आप लोगों को ग्लास इफेक्ट देगा. Can you see the difference, guys? Wow! It looks really very glass. और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है. So yeah, ये मुझे ट्राई करना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे एक बार जरूर ट्राई करा जाए क्योंकि सामने ही बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं. तो ऐसे ग्लास स्किन तो चाहिए सबको, गर्ल्स लोगों को. सो या मैंने ये ट्राई किया. सो माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ब्यूटी ब्लेंडर जो मैंने रुपीज 88 में मुझे मिला है. इट रिटेल्स ओनली रुपीज 88 एंड ये मुझे सेल प्राइस में मिला है. वाओ गाइस, इट फील्स सो सॉफ्ट. पता नहीं, मैंने ये फर्स्ट टाइम इस ब्रांड को परचेस की है तो देखेंगे इसका ब्लेंडेबल कैसा है, ये कैसा फंक्शन करता है. सो या ये मुझे बहुत काम आएगा. या एंड द सेकेंड वन इज फेस स्क्रब फ्रॉम एम कैफिन. गाइस, ये ब्रांड मुझे बहुत बहुत पसंद है एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस ब्रांड सिंस 3 इयर्स. 3 साल हो चुके हैं मैं इस ब्रांड को यूज करी हूँ. इस ब्रांड की फेस स्क्रब, फेस वॉश, बॉडी स्क्रब, लिप स्क्रब, बहुत कुछ है जो मैंने, हैंड क्रीम, मैंने सब कुछ ट्राई किया हुआ है और ये बहुत अच्छा है. आप लोग जरूर एक बार ट्राई करना. और ये मुझे सेल प्राइस में मिला है 249 करके. सो ये आप लोगों को मैं एक बार दिखा देती हूँ. ये देखिए. सो इसे लगाने के, इसे अप्लाई करने के बाद आप लोग खुद ही इम्प्रूव देख सकते हैं कि आपका स्किन टेक्सचर जो है वो एकदम स्मूथ हो जाता है. सो इसमें थोड़े थोड़े लिटिल लिटिल पार्टिकल्स है जो आपके स्किन को अच्छे से जेंटली, अगर आप लोग जब मसाज करेंगे अपने फेस को तो ये एकदम आपके सब मतलब अपने चारों ओर फेस के और सब कुछ आप लोगों को एकदम क्लीन कर देंगे. सो या गाइस, this one must have. And the next product is this Mama Earth की face wash.
एक्चुअली मेरे पास ममार्थ की एक और फेस वॉश है जो कि है आई थिंक टर्मरिक हल्दी टर्मरिक कुछ ऐसा कुछ फेस वॉश है मेरे पास. तो मैंने सोचा कि ये एकदम न्यू आया है ममार्थ राइस फेस वॉश विथ राइस वाटर एंड नायसिनामाइड जो अपने आपकी स्किन को ग्लोई इफेक्ट देंगे. तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार ट्राई करें. तो इसका भी रिव्यू मैं करना चाहती थी. तो मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी इसको अप्लाई करने के बाद कि ये उस वाले से बेटर है या नहीं. और ये मुझे सेल प्राइस में मिला है 178 गाइस, विच इज वेरी गुड डील. सो या आप लोग देख सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज माई एंगेज बॉडी परफ्यूम. सो ये मैंने एक्चुअली मेरे भाई के लिए लिया है. तो कुछ नहीं, मैं भी लगा लूंगी, क्या फर्क पड़ता है. और ये मुझे मिला है 198 करके. और मैंने सुना है इसका परफ्यूम स्मेल बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है. सो मैंने अभी तक पैकिंग भी नहीं खोली, ओपन की है, तो मुझे बहुत दिक्कत होगी गाइस. मैं आप लोगों के सामने ही खोल रही हूँ. सो या मैंने ओपन कर ली. तो चलो देखते हैं इसका स्मेल. वेरी नाइस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल. ये लड़कों लोगों के लिए ठीक है, ये मेंस लोगों के लिए ठीक है. सो गाइस माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लवर्थ. ये लिप्स चिक टिंट है और इसे आप एज आईलिड भी यूज करते हैं. ऐसे आईलिड आप लोग एज आई शेडो भी आप लोग यूज कर सकते हैं. तो एक्चुअली अभी तो समर सीजन चल रही है और कुछ दिन बाद विंटर सीजन आ जाएगा. तो क्रीम ब्लश सबसे बेस्ट होती है क्योंकि पाउडर ब्लश विंटर सीजन में आप अगर आप लोग ड्राई स्किन गर्ल हो, ड्राई स्किन पीपल हो, तो आप लोगों के ऊपर पाउडर ब्लश बहुत ज्यादा और भी केकी लगता है. तो इसलिए क्रीम ब्लश इज द बेस्ट थिंग. सो मैंने ऑर्डर की है और ये लव अर्थ ब्रांड की है. सो इसका शेड जो मैंने मंगवाया है वो है बी द चेंज. और ये कुछ इस तरह की है एंड इट हैज की इंग्रेडिएंट्स. इसमें बीज वैक्स है, जोजोबा ऑयल है, कैस्टर ऑयल है विद विटामिन ई. सो ये बहुत अच्छा होगा. और ये एकदम क्रीमी मैट फॉर्मूला में है. मैं आप लोगों को जस्ट ऐसे शो कर रही हूँ. वाओ गाइस, पता नहीं आप लोगों को शो हो रहा होगा या नहीं. द कलर इज सो प्रीटी. लेट्स अप्लाई ऑन द चीक फर्स्ट. सो मैंने यहाँ पे लिटिल अमाउंट ली है. सो मैं देखती हूँ. वाह गाइस, इट ब्लेंड्स लाइक हेवन. सो इसे भी आप लोग जरूर ट्राई करना गाइस. सो मुझे तो ये बिल्कुल बहुत पसंद आया. कैन यू सी गाइस द ग्लो. इस टिन को आप लिप बाम की तरह एज ए लिप और अपने आईज पर और चीक में तो अप्लाई कर ही सकते हैं. सो व्हाट एल्स, वेरी 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 गुड डील. सो या द नेक्स्ट वन इज आई हैव दिस ममा अर्थ की छोटू मोटू सा मिनी परफ्यूम. सो मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुनी है. सो मैंने सोचा कि बड़ा वाला ट्राई करने से पहले छोटा वाला को जरूर ट्राई करना पड़ता है क्योंकि अगर मुझे स्मेल पसंद आए तो मैं देन आई कैन गो विथ बिग वन. सो या और इसका प्राइस है, मुझे ये मिला है सेल में आई थिंक 149 करके. मैं ऊपर भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी. सो इसका स्मेल भी देखते हैं गाइस. वाओ गाइस, जस्ट चेक आउट, इट्स अ टाइनी बॉटल एंड ये एकदम पॉकेट फ्रेंडली है. ये इस परफ्यूम को आप लोग अपने बैग में कैरी कर सकते हैं. आप लोग अपने आपके साथ कैरी कर सकते हैं. आप लोग जहां भी जा सकते हैं तो कैरी कर सकते हैं. तो इसे भी जरूर ट्राई करना. मुझे तो पैकेजिंग बहुत पसंद आई. इट्स वेरी रॉयल पैकेजिंग, ब्लूइश कलर. ओके, इसका स्मेल अभी चेक करते हैं गाइस.
Okay. It has very mild fragrance. Okay, guys. Once it settles down, then it gives you the perfect smell. Yeah, मुझे पसंद आया. अच्छा है, कम चल जाएगा. Yes. So the next product is my HD concealer. So ये भी आजकल बहुत ट्रेंड में है कि ये अपने डार्क सर्कल को एकदम कवर कर देता है. So मैं इसका भी रिव्यू डालने वाली हूँ अपने चैनल पे, तो गाइस आप लोग चेक कर लेना. इसका प्राइस मुझे बहुत एक्चुअली चीप में मिला है, बहुत अफोर्डेबल में मिला है, क्योंकि इतना कम प्राइस ये कभी नहीं आता, तो मैंने ग्रैब कर लिया. एंड आई एम इन द शेड MNY20. पता नहीं मैंने राइट शेड चूज की है या नहीं, आप लोग देख सकते हैं. आई होप सो कि ये राइट शेड हो. एंड इट हैज डो फूट एप्लीकेटर एट द वंड इज गाइस वेरी बिग. सो आप लोगों को ऐसे अप्लाई करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इजी से अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं आप लोगों को हैंड स्वच दिखा देती हूँ इस कलर का. ओके गाइस, ये एक्चुअली एग्जैक्ट मैच नहीं है मेरे स्किन से, ये एक्चुअली एक शेड लाइटर है. सो ये मेरे लिए हाइलाइटिंग का काम करेगा. ये एक्चुअली मेरे शेड से, मेरे स्किन टोन से एक शेड लाइटर है. तो ये मुझ में आई थिंक वाओ, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है गाइस. सी, बिल्कुल एचडी है. सो इसका रिव्यू भी मैं डालने वाली हूँ आप लोगों के साथ, शेयर करने वाली हूँ कि ये सच में है डार्क सर्कल्स को कवर करती है या नहीं. तो या स्टे ट्यून फॉर दैट. सो या आई विल डेफिनेटली गिव रिव्यू ऑन दिस. ओके, द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव. ओके, आई परचेज 3 लिपस्टिक्स, वो भी तीनों 3 ब्रांड का है और 3 शेड्स का है, 3 डिफरेंट शेड्स का. सो द फर्स्ट वन आई वॉन्ट टू शो यू गाइस, दिस ब्लू हेवन पाउडर मैट लिपस्टिक. और इसका कलर मैंने ऑर्डर की है, इसका कलर मैंने परचेज की है रूबी ग्लो. तो चलियो इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये कलर कैसा, इसका कलर पे ऑफ कैसा है. सो मैं आप लोगों को यहाँ एक हैंड स्वच दे रही हूं. वाओ, आई थिंक ये बहुत सिमिलर है रूबी वो से. मेरे पास रूबी वो है, तो मैं इसके ऊपर एक रिव्यू डालूंगी कि इसका कलर और उसका कलर कैसा है. अगर मैच हो जाएगा तो ये ड्यूप बन जाएगी गाइस. सो या, एंड इट रिटेल्स ओनली फॉर आई थिंक 1112. वो मुझे सेल प्राइस में मिल गई थी. तो इसको लगाने के बाद, ये एक्चुअली पाउडर मैट में है, मेरी स्किन टोन पे अच्छा होगा, ये अच्छा जाएगा. गुड या नाइस शेड यार, मैंने अच्छे अच्छे शेड परचेस कर ली. सो या, द नेक्स्ट लिपस्टिक इज दिस नायका ऑल डे मैट लिक्विड लिपस्टिक. और मैंने जो शेड परचेस की है वो है बॉस बेब. और इसका प्राइस मुझे कुछ ऑफर में नहीं मिला है, ये हमेशा एक ही ऑफर में लगे रहते हैं, वो 349. वो मुझे 349 में ही मुझे रिसीव हुई है, क्योंकि मैंने इसके इससे तो और ज्यादा कमता ही नहीं कभी भी, ये ऐसे ही रहता है. तो मैंने सोचा कि और वेट करने की जरूरत नहीं, तो ये मुझे बहुत पहले से मुझे ये पर्टिकुलर शेड परचेस करनी थी, तो मैंने सोचा कि और ज्यादा वेट ना करते हुए इसको परचेस कर ही लेते हैं. तो मैंने इसको परचेस कर ली. तो इसका अभी तक मैंने पैकेजिंग भी नहीं खोला, तो आप लोगों के सामने ही मैं इसका श्री गणेश करने वाली हूँ. सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. ओके गाइस, मैंने इसे ओपन कर लिया. इसका कलर बहुत प्रिटी है गाइस, वाओ. मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, एक हैंड स्वच मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ गाइस. वाओ गाइस, कैन यू सी द कलर. ये
एकदम परफेक्ट है फेस्टिव सीजन्स के लिए, क्योंकि अभी तो बहुत फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो इस कलर को जरूर ट्राई करना गाइस। ये तो बहुत बहुत प्रिटी कलर है। इट्स नॉट रेड, इट्स नॉट पिंक, इट्स जस्ट इन बिटवीन। सो या आई लाइक दिस कलर रियली रियली। मैं इस रेंज में से, इस नायका ऑल डे मैट रेंज में से मैं और भी लिप शेड्स परचेस करना पसंद करूंगी। सो या स्टे ट्यून फॉर दैट, मैं उसका भी रिव्यू करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया। सो या गुड डील। ओके एंड द लास्ट लिपस्टिक आई हैव विथ मी इज दिस इबा हलाल मैक्स मैट लिपस्टिक। सो एंड एक्चुअली इसका मार्केट प्राइस है 450 और मुझे सेल प्राइस में मिली है आई थिंक 199 200। सो इट्स वेरी गुड डील क्योंकि एकदम हाफ प्राइस में मुझे मिली है। और मैंने जो शेड, वाओ गाइस ये तो बहुत अच्छा शेड है, एकदम न्यूड न्यूड मॉवी काइंड ऑफ कलर। ये डस्की स्किन टोन पे बहुत अच्छा जाएगा और ये मीडियम स्किन टोन पे भी बहुत अच्छा जाएगा। सो इसका रेट है, मैंने जो परचेस की है वो मुझे 199 में मिला है और इसका शेड नंबर है, इसका शेड है सुगर एंड स्पाइस। तो ये इसका भी मैं हैंड स्वाच आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये एकदम मॉवी पिंकिश काइंड ऑफ शेड है गाइस। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। लुक एट द शेड गाइस, एक्चुअली तीनों डिफरेंट कलर्स है। सो मैंने दो एक्चुअली डीप कलर में ऑर्डर की है और एक मैंने सटल सा एकदम न्यूट न्यूट्रल कलर में ऑर्डर की है जो मुझे बहुत पसंद आया। गाइस अगर आप लोग इस शेड्स को पसंद किए हो तो प्लीज गाइस चेकआउट करना। और इन सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मेरी ये सब प्रोडक्ट्स अगर आप लोगों को हेल्पफुल हुआ तो आप लोग परचेस कर सकते हो। सो या सो मैंने एक छोटू मोटू सा हॉल आप लोगों के साथ शेयर की है। सो मुझे बहुत पसंद आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई हूँ मेरा ये छोटू मोटू सा नायका हॉल। सो मैंने और भी कुछ ऑर्डर की है मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में जो मैं रेगुलर बेसिस पर यूज करती हूँ जो मुझे पसंद है। सो मैं उसके ऊपर भी एक रिव्यू शेयर कर दूंगी। सो या आई थिंक आज का हॉल बहुत बहुत अच्छा हुआ और द लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो या गाइज स्टे सेफ। सो गाइज अगर आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ ये वीडियो सो प्लीज गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं। और आप लोगों का प्यार बहुत जरूरी है गाइज। सो या फॉर नाउ बाय बाय।